हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट यूनिवर्स। माय नेम इज संजय पटेल और जैसा कि आपको पता है, हम लोग एनटीए मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट पेपर हमने 29 नंबर का सॉल्व किया था, तो आज हमारा पेपर नंबर 30 है। तो और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। सो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ द अल्फा बीटा एंड गामा रेज कैरी द सेम मोमेंटम व्हिच हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। कह रहा है कि अगर अल्फा बीटा और गामा तीन पार्टिकल हैं, उनका मोमेंटम सेम है, तो इसमें वेवलेंथ किसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है। तो देखिए, जो पार्टिकल नेचर जब शो करती है लाइट, तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। तो यहाँ पे पी को कांस्टेंट कह दिया गया। ठीक है, मोमेंटम यहाँ पे जब कांस्टेंट है, तो एच जो प्लैंक कांस्टेंट होता है, तो वो पहले से ही कांस्टेंट है। ठीक है, उसका नाम ही है प्लैंक कांस्टेंट, तो दोनों वैल्यू कांस्टेंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो भी वेवलेंथ होगी वो सबकी बराबर रहेगी। ठीक है, जब मोमेंटम सेम हो जाएगा तो वेवलेंथ सबकी बराबर हो जाएगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नन ऑल हैव द सेम वेवलेंथ। ठीक है, इसमें से कोई सही नहीं है, सबका वेवलेंथ बराबर ही होगा। क्वेश्चन नंबर टू है, यहाँ पे द वोल्टेज अप्लाई टू द कोलेड एक्सरे ट्यूब इज इंक्रीज 25%। कह रहा है कि जो वोल्टेज अप्लाई किया था एक्सरे ट्यूब में, उसको 25% अगर इंक्रीज कर दिया जाए, तो एज ए रिजल्ट द शॉर्ट वेव लिमिट ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम शिफ्ट बाय डेल्टा लैम्डा। कह रहा है जो कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम है वो डेल्टा लैम्डा से शिफ्ट हो जाता है। तो द इनिशियल वोल्टेज अप्लाई टू द ट्यूब, कह रहा है इनिशियल वोल्टेज कितना अप्लाई हुआ होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की बात अगर की जाए, तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी होता है काइनेटिक, ई भी हो जाएगा, और ये क्या होता है एच सी अपान लैम्डा के बराबर। तो यहां से अगर लैम्डा निकालने जाओ तो क्या हो जाएगा, एच सी अपान ई बी कर दोगे। ठीक है, एच सी अपान ई बी, तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू। ठीक है, तो अब देखिए एच सी अपान लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा मान लो बाद में क्या किया गया था, जो अप्लाइड वोल्टेज था उसको बढ़ाया गया था, लेकिन अभी लैम्डा ही लिखो। फिर लैम्डा को किसके फॉर्म में लिखोगे, एस सी अपान ई बी। देखिए एस सी अपान ई बी के फॉर्म में लिखा एस सी अपान ई इंटू वी। ठीक है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ई होता है इंटू वी। अब लिखोगे, ठीक है, यहाँ लैम्डा लिखा है तो ई वी लिख दोगे, तो वी यहाँ पे पहले मान लो कि वी था, अब बाद में क्या किया गया, एस सी अपान 25% लैम्डा को बढ़ाया गया था, वी को बढ़ाया गया। ठीक है, जो अप्लाइड वोल्टेज उसको बढ़ाएगा 25%, तो पहले वी था, तो बाद में कितना हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। ठीक है, जब 25% इंक्रीज करोगे तो ई इंटू 1.25 इंटू वी। ठीक है, डेल्टा लैम्डा यहाँ पे सही। अब आपको वी निकालना है, यहाँ पे जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लो, तो एस सी अपान ई हो जाएगा कॉमन, ई और वी भी कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ क्या बचेगा, वन बचेगा, यहाँ पे वन अपान 1.25 बचेगा। ठीक है, आपको चाहिए V, तो V को इस तरफ ले आओ, बाकी सारी चीजें इधर लाओ, तो ये हो जाएगा एच सी अपान डेल्टा लैम्डा इंटू E, और इसको सॉल्व करोगे तो ये एलसीएम लोगे 1.25 एलसीएम आ जाएगा, इधर लाओगे 1.25 माइनस 1 तो आ जाएगा 0.25, क्योंकि कैलकुलेट करो तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये वैल्यू निकल के आएगी एच सी अपान 5 डेल्टा लैम्डा इंटू E। ठीक है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, एच सी अपान 5 E डेल्टा लैम्डा। क्वेश्चन नंबर थ्री, यहाँ पे कोई नॉन यूनिफॉर्म रॉड दिया गया है। ठीक है, उसकी लेंथ कैपिटल एल दिखाया गया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रखा गया है। ठीक है, और इसका एक एक्सिस कहाँ, ओरिजिन पे रखा हुआ है। लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द रॉड आपको दिया गया है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू एक्स। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड फ्रॉम द ओरिजिन। आपको सेंटर ऑफ मास बताना है रॉड का ओरिजिन से। ठीक है, तो ये मान लो ओरिजिन पे रॉड रखा हुआ है, एक ओरिजिन पे का पहला वाला एंड है, दूसरा एंड इधर एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, जो लीनियर मास डेंसिटी होती है क्या होता है, डीएम अपान डीएक्स होती है। ठीक है, तो डीएम अपान डीएक्स इक्वल टू ये पूरा हो जाएगा, तो डीएम इक्वल टू अगर निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स इंटू डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, डीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीएक्स का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आपको चाहिए सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो एक्स सीएम अगर निकालना है आपको तो क्या करोगे, यहाँ पे जीरो से एल तक एक्स डीएम अपान जीरो से एल तक डीएम, बस इसमें वैल्यूज रख दो, जीरो से एल एक्स डीएम। ठीक है, एक्स रखो, डीएम की वैल्यू क्या रखोगे, लैम्डा नॉट एक्स डीएक्स अपॉन डीएम की वैल्यू, फिर यही लैम्डा नॉट एक्स डीएक्स, तो लैम्डा नॉट एक्स डीएक्स जीरो से एल तक सॉल्व कर लो आ जाएगा। देखो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करोगे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री, और जो लैम्डा नॉट है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री। लिमिट कहाँ से, जीरो से लेके एल तक, नीचे क्या आएगा आपका, यहाँ पे लैम्डा नॉट यहाँ भी बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, लैम्डा नॉट लैम्डा नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एल क्यूब, यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर से एल क्यूब काटोगे ऊपर बचेगा एल, और ये टू ऊपर जाएगा थ्री हो जाएगा नीचे, तो आ जाएगा टू एल अपान थ्री। तो जो भी एक्स सी एम निकल के आएगा वो आ जाएगा टू एल अपान एल, टू एल अपान थ्री आएगा, एल नहीं होगा, टू एल अपान थ्री।
तो इस तरह के बहुत बार क्वेश्चन हुए हैं और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसमें ये आपको लीनियर मास डेंसिटी दिया गया था, तो लीनियर मास डेंसिटी को कैसे हम निकालेंगे, डीएम अपॉन डीएक्स कर लेंगे, ठीक है। टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, तो डीएम अपॉन डीएक्स, तो एक छोटे से अगर एलिमेंट का लेना है तो डीएम अपॉन डीएक्स कर लेंगे, तो लीनियर मास डेंसिटी दिया था। अब क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है तो इसलिए इंटीग्रेशन करना पड़ा यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हेमी स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर फ्रॉम इट सेंटर। देखिए हेमी स्फेरिकल सेल जो होता है उसका सेंटर ऑफ मास आर बाई टू हाइट पे होता है, ठीक है। अगर ये सेमी स्फेरिकल सेल है तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा ये आर बाई टू के बराबर होगा, ठीक है, आर बाई टू हाइट पे होता है। तो बस इसको ऐसे याद कर लें, आर बाई टू पे होगा, ये याद ही किया जाता है, ठीक है। कोण का भी आता है, अलग अलग चीजें होती हैं तो उसको रटना पड़ता है भैया, उसको आपको भी रटना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है, एक स्टोन है 0.3 kg का जो अटैच है 1.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग से, ठीक है। इसको घुमाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल सर्किल में फ्रिक्शन लेस टेबल पे, उसकी लीनियर वेलोसिटी दी गई है, लीनियर स्पीड दी गई 6 मीटर पर सेकंड, टेंशन आपसे पूछा गया, तो टेंशन जो वही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो वही नेसेसरी इसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वही नेसेसरी टेंशन इसको देगा, ठीक है, तो जिससे ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम की वैल्यू दिया है 0.3 kg है ये, ठीक है, इंटू वी स्क्वायर करोगे तो 6 × 6 हो जाएगा 36 अपॉन आर, आर मतलब यही वाली लेंथ, तो जितनी लेंथ होगी रस्सी की तो वही तो हो जाएगा रेडियस सर्किल का, जिस रेडियस में मूव करेगा, तो इसकी वैल्यू रखोगे 1.5 जी, पॉइंट से पॉइंट हटाओ, ये 5 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 15 से इसको कैंसिल करोगे, 5 से इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 5 × 7 = 35, ठीक है, तो 5 × 7 = 35, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7.2 न्यूटन के बराबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहा गया फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस शो दियर प्रॉपर्टीज ड्यू टू, भैया देखिए यहाँ पे पार्शियली फिल्ड इनर ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, पार्शियली फिल्ड इनर सब ऑर्बिट्स होते हैं, सबसेल होते हैं, ठीक है, सबसेल होते हैं पार्शियली फिल्ड, देखिए फुल्ली अगर फील्ड होगा तो वो फिर डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है, वैकेंट हो नहीं सकता। तो अब देखिए यहाँ पे जो पार्शियली फील्ड होते हैं वही होते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस जो होते हैं वो अपनी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे शो करते हैं, उनके पास पार्शियली फील्ड इनर सबसेल होता है। और 7 यहाँ पे दिया गया है फॉर ए सेल, ठीक है, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का अगर 2.2 वोल्ट है इस सेल का जब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, बाद में इसमें 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया गया, तो इसका जो टीपीडी आ रहा है इस सेल का, टीपीडी मतलब इन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, ठीक है, तो टीपीडी कितना आ रहा है बाद में 1.8 के बराबर आ रहा है, तो कह रहा है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, तो अब देखिए इसका हम टीपीडी ही रख लेते हैं, कितना कह दिया गया बाद में कितना है 1.8 है, पहले कितना था 2.2 था, लेकिन तब 2.2 था इस ओपन सर्किट मतलब कोई करंट नहीं जा रहा, तो वो जो सेल का ईएमएफ होगा वही 2.2 होगा, तो बाद में टीपीडी कितना हो जा रहा है 1.8, तो 1.8 अब यहाँ इन दोनों बीच का हमको इन दोनों पॉइंट के बीच का टीपीडी मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो बाद में कितना आ रहा है 1.8 जब इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें इनके बीच, तब तो ये हो जाएगा इधर से चलोगे, ठीक है, तो यहाँ बैटरी मिला तो ये करोगे 2.2 माइनस ऑफ आर, ठीक है, तो माइनस आई आर, आई की वैल्यू कितना रखोगे 2.2 अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम का, ये हो जाएगा आई इंटू आर, ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये हो जाएगा 2.2 बाई आर प्लस 5 इंटू आर इक्वल टू, अब ये देखिए इसको इस तरफ ले माइनस था प्लस हो जाएगा, इधर 1.8 को इस तरफ 2.2 में जब माइनस करोगे तो 0.4 आ जाएगा, तो 2.2 आर इक्वल टू इधर आएगा, तो ये आर इंटू 0.4, तो 0.4 आर प्लस 5 × 0.4 हो जाएगा 2 के बराबर, ठीक है, इसको इस तरफ लाओ तो कितना हो जाएगा 1.8 r = 2, तो r इज इक्वल टू 2 अपॉन 1.8, या पॉइंट हटाओ ऊपर 20 हो जाएगा, 10/9 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, 10/9 ओम के बराबर आ जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे में कहा गया इफ द लेंथ ऑफ द पोटेंशियल मीटर वायर इंक्रीज देन द एक्यूरेसी ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द नल पॉइंट, देखिए एक्यूरेसी बढ़ जाती है जितना भी पोटेंशियल मीटर का आप वायर का लेंथ जो बढ़ाते जाओगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है उसकी, क्योंकि जो पीजी होता है यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो डिक्रीज होता है, जितना जितना लेंथ बढ़ाते जाओगे हिसाब से पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है उसका डिक्रीज होता है, एक्यूरेसी उसकी बढ़ती जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि पोटेंशियोमीटर का अगर हमको एक्यूरेसी बढ़ानी है तो क्या किया जाए, तो पोटेंशियोमीटर वायर का जो लेंथ होता है उसको बढ़ा सकते हैं। देखिए मीटर ब्रेसेस को कंप्रेस मत करना, क्योंकि मीटर ब्रेज का जो वायर होता है वो सीधे 1 मीटर का ही होता है, इसीलिए उसका नाम मीटर ब्रेज का है, लेकिन पोटेंशियोमीटर में आप कुछ भी रख सकते, जितनी ज्यादा लेंथ रखोगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी रहेगा पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लेंथ बढ़ाओगे तो एक्यूरेसी बढ़ेगी।
क्वेश्चन नंबर 9 है द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन ए एसी सर्किट ही। भैया कैपेसिटिव रिएक्टेंस कुछ और नहीं होता, वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर के थ्रू जितना भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस उस सर्किट में आता है उसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स सी से, तो एक्स सी इक्वल टू होता है 1/ωC, या 1/ωC की जगह 2πf रखोगे और सी भी रख सकते हो, ठीक है। तो एक्स सी की वैल्यू 1/ωC इक्वल टू 1/2πf इंटू सी, तो ये होता है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे कोई सॉलिड मेटल क्यूब है जिसका एज लेंथ है 2 सेंटीमीटर, मूव कर रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में एट कांस्टेंट स्पीड 6 मीटर पर सेकंड से। देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है जो भी मैग्नेटिक फील्ड है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू फेसेज ऑफ द क्यूब परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बताना है टू एक्सिस के थ्रू, ठीक है, टू फेसेस के थ्रू आपको बताना है कि कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है वी वी एल के बराबर होता है, वी वी इंटू एल। वी की वैल्यू आपको दिया है 0.1 और जो वेलोसिटी वाला वी है वो 6 मीटर पर सेकंड है और लेंथ आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में चेंज कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 × 2 हो जाएगा 12, 12 × 0.1 हो जाएगा 1.2 × 10^-2, ठीक है। 1.2 × 10^-3, इसको 12 रखोगे तो 10^-3 करना पड़ेगा, तो 12 मिलीवोल्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये 12 मिलीवोल्ट भी आ सकता है यहाँ से। नंबर 11 है, यहाँ पे कहा गया है द चार्ज आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ए एज शोन इन द फिगर, ठीक है। चार्ज पार्टिकल प्लेस एट ए इज इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा वो इक्विलिब्रियम में है। द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2, तो Q1 Q2 का आपका रेशियो चाहिए यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे ये अपोजिट नेचर के चार्ज है तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, ठीक है। यहाँ भी अपोजिट नेचर है तो ये भी अट्रैक्शन होगा, लेकिन अब ये सेम नेचर का तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, ठीक है। तो जो भी फोर्स यहाँ पे ये लगेगा रिजल्टेंट फोर्स ये होगा, तो ये Q F3 के बराबर, क्योंकि F3 इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा F1 और F2 का। तो F1 और F2 का रिजल्टेंट जो होगा वो Q1 और इस Q1 के बीच जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा उसके बराबर होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स यहाँ पे जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ये वैल्यू आपकी आ रही है इसके और इसके वजह से जो फोर्स लगेगा, तो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा उसके बराबर हमको कर देना है, ठीक है। तो अब चलिए पहले इसका हम लोग F1 देखते हैं, तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, के लिखते हैं, ठीक है। 1/4πε0 लिखें, सीधे के लिखते हैं, के Q1 Q2, यहाँ पे Q1 है Q2। अब ये मत करना माइनस क्यों नहीं रखे, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि ये अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। अपान आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, क्योंकि बता दिया गया साइड लेंथ कितनी है ए के बराबर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही F2 भी होगा, जब ए भी सेम है यहाँ पे, बस यहाँ पे Q2 था यहाँ भी Q2 है, तो सेम फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये √2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दोनों को अगर ऐड करोगे, दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा F√2, क्योंकि F1 F2 सेम है, तो F1 की वैल्यू रख दो, हो जाएगा के Q1 Q2 अपान ए स्क्वायर इंटू √2। अब देखिए इनके बीच जो फोर्स होगा उसके बराबर ये हो जाएगा, टोटल जो ये रिजल्टेंट F3 निकल के, ये F3 निकल के आया आपका, ये किसके बराबर हो जाएगा, जो इन दोनों की वजह से फोर्स लगेगा, तो ये लगेगा के Q1 Q1, ठीक है, ये Q1 ही रहेगा, क्योंकि ये भी Q1 है, ये भी Q1 है, अपान आर स्क्वायर। अब आर कितना होगा, इसका A√2 होगा, ठीक है, ये भी है, ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा, A√2 का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको चाहिए Q1 अपान Q2 का रेशियो, तो यहाँ पे तो दोनों Q1 Q1 है, तो एक Q1 से कट जाएगा, यहाँ से K से K को काट देंगे हम लोग, और ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से काट देंगे। हमको चाहिए Q1 अपान Q2, तो Q1 अपान Q2 जब करोगे तो यहाँ पे 2 है, 2 चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब 2 इधर चला जाएगा, रेशियो में 2 है ना, तो 2 यहाँ पर जाएगा ऊपर, तब यहाँ पे हो जाएगा √2 के बराबर, तो जो भी Q1 अपान Q2 आएगा वो √2 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे पोजीशन ऑफ द 2 पॉइंट चार्ज दिया गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, इज की तरह 0 कहाँ पे होगा। देखिए पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ आप देखोगे तो इससे दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस वाले से माइनस वाले की तरफ रहेगा, तो जब सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 नहीं हो सकता। अगर बाहर का कोई पॉइंट, मान लिया हमने यहाँ पे पॉइंट लिया है, तो एक जो माइनस चार्ज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होती है, तो ये इसकी तरफ हो जाएगा E1 या E ड्यू टू -Q, और यहाँ पे जो E हो जाएगा E ड्यू टू 4Q, ये 4Q से हमेशा दूर ही जाएगा, ठीक है, दूर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे 0 हो सकता है, तो 0 होने के लिए क्या करें, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे 0 कर दें, मतलब बराबर कर दें, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे बताना है किस पॉइंट पे 0 होगा, डिस्टेंस लेनी है आपको 4Q से, तो देखिए 4Q की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो के 4Q अपान आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए तो इनके बीच का डिस्टेंस है, प्लस एक्स भी कर दोगे, क्योंकि यहाँ से मान लो कि एक्स डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है, ये वाला पॉइंट एक्स पे है, तो यहाँ ए प्लस एक्स कर दो, तो ए प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू
अब इस वाले क्यू की वजह से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि यहां से यहां तक एक्स स्क्वायर ही है, तो क्यू से क्यू आप कैंसिल कर दोगे। ठीक है, अब देखिए अब हमको करना के से के भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो ए प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ए प्लस एक्स अपान एक्स का स्क्वायर इक्वल टू है फोर, तो ए प्लस एक्स अपान एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू। ठीक है, यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो टू हो जाएगा, तो ए प्लस एक्स इक्वल टू टू एक्स, एक्स उधर जाएगा एक्स उधर जाएगा तो इधर कितना टू एक्स माइनस एक तो हो जाएगा एक्स, एक्स इक्वल टू ए आएगा। अब एक्स इक्वल टू ए, अब एक्स हमने माना था यहां से माइनस क्यू से, तो ये हो जाएगा ए के बराबर, तो यहां से यहां भी ए है और यहां से यहां कितना हो जाएगा, तो ए तो पहले से था यहां तक, यहां भी आ गए, तो जो फोर क्यू से डिस्टेंस होगी वो टू ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो टू ए डिस्टेंस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो जीरो के बराबर आएगा। थर्टीन, इसमें कहा गया एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 32 किलोमीटर ऊपर पूछा गया है कि कितनी होगी। ठीक है, तो 32 किलोमीटर ऊपर जी डैश इक्वल टू जी अपान वन प्लस एच अपान एच का होल स्क्वायर, तो ठीक है जी डैश आपको चाहिए जी अपान वन प्लस एच की वैल्यू आपको 32 दिया गया, वैसे होता है 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस होता है, होल स्क्वायर करोगे 32 दुना 64 हो जाएगा 1/200। हाँ, तो ये रखोगे जी अपान वन प्लस 1/200 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.99 जी के बराबर, मतलब थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, जी से थोड़ा सा कम है क्योंकि 32 किलोमीटर बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं, तो जी की वैल्यू बहुत थोड़ा सा 0.1 की कमी आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.99 जी के बराबर। 14, इसमें कहा गया था रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ प्लेनेट P1 एंड P2 इज ए, रेशियो ऑफ दियर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज बी। ठीक है, द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी आपसे पूछा गया, तो एस्केप वेलोसिटी का जो मेन फार्मूला होता है वी ई, अगर देखा जाए तो जी एम अपान आर ई के बराबर होता है। ठीक है, टू जी एम अपान आर ई के बराबर होता है, तो देखिए अब स्मॉल जी के फॉर्म में पूछा गया तो आर ई से यहाँ पे डिवाइड करो, आर ई से मल्टीप्लाई कराओ, तो जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर हो जाएगा स्मॉल जी के बराबर, तो हो जाएगा टू जी आर ई के बराबर, मतलब जो भी एस्केप वेलोसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ जी रूट ऑफ ई के, तो वी वन बाई वी टू। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा रूट ऑफ जी वन अपान जी टू और आर वन अपान आर टू। ठीक है, जी वन अपान जी टू का रेशियो आपको दिया गया है वी, आर वन अपान आर टू का रेशियो दिया गया है ए, तो रूट ऑफ वी या ए बी कह लो। ठीक है, ऑप्शन में ए भी दिया गया है, तो रूट ऑफ ए बी के बराबर हो जाएगा। नंबर 15 है भैया, इस तरह के कई क्वेश्चन हम करा चुके हैं, सेम इसी तरह के क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जितने पेपर कराए लगभग हर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। टू रॉड है यहाँ पे, पी और क्यू इनका सेम लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है क्योंकि डायमीटर सेम दिया गया है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम होगा। थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो इसमें 2:3 दिया गया है, इनको एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। ठीक है, अब इसमें कहा गया टेम्परेचर ऑफ वन एंड ऑफ पी इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड अदर एंड ऑफ द क्यू इज 0 डिग्री सेल्सियस, देन टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, यहाँ पे जो इंटरफेस है इसका यहाँ पे टेम्परेचर बताना। ठीक है, कॉमन टेम्परेचर यहाँ पे हमको चाहिए, तो जो भी करंट थर्मल करंट यहां से फ्लो करेगी वही इसमें भी जाएगी, तो dQ by dt सेम होगा दोनों का, तो dQ by dt किसके बराबर हो जाता है ka डेल्टा थीटा अपान l के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे हम लोग तो क्या करेंगे dQ by dt मतलब कि ka डेल्टा थीटा अपान l इक्वल टू, ये पहले एक हो जाएगा पहले वाले रॉड का, ये p का कह लो इंटू ए के वन रख लो, तो के टू ए डेल्टा थीटा टू और यहाँ पे L L सेम ही है दोनों का, ये हो जाएगा Q के लिए। अब देखो जो वैल्यू रखा है उसको रख लो K1 A डेल्टा थीटा कहाँ से 100 माइनस T, या 100 से T तक जा रहा है यहीं तक आना है अभी, अपान देखिए यहाँ पे क्या है L भी सेम है A भी सेम है। ठीक है, तो L ऐसे ही रख दोगे इक्वल टू K2 A थीटा 2, अब T से हमको जा रहा है 0 पे, तो T माइनस 0 अपान एल, एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, क्या बचा K1 और K2 बचा, K1 K2 को इस तरफ ले आओ तो K1 अपान K2 हो जाएगा, और K1 बाई K2 की वैल्यू दी है आपको 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 100 माइनस T। ठीक है, तो 3 2 को इधर 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पे हो जाएगा T माइनस 0 तो T बचेगा, तो 3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3T। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट करें तो ये हो जाएगा 200 माइनस 2T, माइनस 2T को इस तरफ ले जाओ तो प्लस 2T और ये 3T पहले से था तो हो जाएगा टोटल 5T, तो T की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री के बराबर। ठीक है, T की वैल्यू निकल के आएगी 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर।
16 है यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस का क्वेश्चन है। वन मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस बिहेवियरिंग एज पर पीबी इक्वल टू एनआरटी एट 27 डिग्री सेल्सियस सब्जेक्टेड टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन अंटिल द फाइनल टेम्परेचर T2 जो आपको दिया गया वो 327 डिग्री दिया गया, T1 आपको 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया था, इनिशियल प्रेशर आपको दिया गया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फाइनल प्रेशर आपको पूछा गया लेकिन LN के फॉर्म में पूछा गया, ठीक है, LN P फाइनल आपको पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमको सॉल्व करना है इसको, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पीवी की पावर गामा आपने पढ़ा होगा, पीवी की पावर गामा आपने आसानी से देखा होगा, ठीक है, बहुत बार आते हैं नजर के सामने, लेकिन अब यहाँ पे पीवी तो दिया नहीं गया, पी और टी हमको देखना है, तो पी इसको टी में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी हो जाएगा, तो यहाँ पे टी बाई पी रखोगे तो टी की पावर पी की पावर भी गामा हो जाएगा तो ऊपर आएगा, तो 1 माइनस गामा हो जाएगा और टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, तो P1 की पावर गामा माइनस वन, P1 की पावर 1 माइनस गामा इंटू T1 है आपका 300 की पावर गामा इक्वल टू P2 आपको मतलब P फाइनल तो आपको निकालना है, तो P फाइनल की पावर गामा इंटू T फाइनल मतलब 327 डिग्री, इसको सॉल्व को भी आ जाएगा 600 केल्विन, इसको इसकी पावर कितना हो जाएगा गामा के बराबर, ये 1 माइनस गामा है, थोड़ा यार मिस्टेक हो जा रही है यार, पी फाइनल 1 माइनस गामा और जो टी आएगा फाइनल उसके 600 की पावर गामा हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 दी है, 1 एटमॉस्फेयर तो 1 की पावर में कुछ भी होगा तो वो तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो जो पी फाइनल है उसकी पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 300/600 मतलब 1/2 की पावर गामा, गामा की वैल्यू देखिए मोनोटॉमिक गैस के लिए क्या होता है 5/3 होता है, ठीक है। तो ये रख लो कि 5/3, यहाँ भी रख लो 5/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इधर जाएगा तो -2/3 आ जाएगा, तो जो भी पी फाइनल आएगा तो क्या आएगा -2/3 के बराबर आ जाएगा, और ये हो जाएगा इसको लिख लो 2 की पावर -5/3, ठीक है। 2 ऊपर चला जाएगा तो पावर में जो होगा माइनस हो जाएगा। अब आपको लेना है LN, ठीक है। तो जब लॉग लेते हैं हम लोग तो क्या जो पावर होगा वो आगे चला जाएगा, तो पावर आगे जाएगा 2/3 LN P फाइनल इक्वल टू यहाँ पे ये भी पावर आगे आ जाएगा तो 5/3 LN 2 के बराबर, /3/3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, आपको चाहिए LN P फाइनल तो यहाँ पे LN 2/2 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 5, तो 5 और LN 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.7 के बराबर होती है, 0.07/2 करोगे, ठीक है। सॉल्व कर लेना इसको, या आंसर किस फॉर्म में दिया गया ये हमको देखना है, हाँ न्यूमेरिक फॉर्म में ऑप्शन दिया गया तो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.5 को 0.7 से मल्टीप्लाई कराओ तो लगभग 1.75 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ गया आपका 1.75 के बराबर। 19 है यहाँ पे कार्नाट इंजन का क्वेश्चन है, यहाँ पे सोर्स का टेम्परेचर दिया गया पहले 500 और सिंक का टेम्परेचर 100 केल्विन, ठीक है। अब बाद में इसमें क्या कह रहा है कि जब इसका सिंक का जो टेम्परेचर है वो टी कर दिया गया, सोर्स का टेम्परेचर 900 के कर दिया गया, तो द वैल्यू ऑफ टी आपको चाहिए, और इसमें क्या कहा है दोनों की इफिशियंसी जो वो सेम है, जो भी इफिशियंसी यहाँ पे होगी वही इफिशियंसी यहाँ भी होगी, ठीक है। तो इफिशियंसी दोनों का सेम करना है तो इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर, ठीक है। सिंक का टेम्परेचर यहाँ पे कितना दिया था 100 केल्विन अपॉन सोर्स का टेम्परेचर, और इसकी इफिशियंसी किसके बराबर दूसरे कंडीशन के बराबर, तो इसमें जो भी सिंक का टेम्परेचर है 900 केल्विन है, सोर्स का टेम्परेचर दिया गया है टी, तो आपको टी ही तो बताना है, ठीक है, आपको क्या बताना है टी ही बताना है यहाँ पे। यहाँ पे T1 दिया गया, ठीक है, T1 दिया गया 900 और T तो पूछा ही गया है, ठीक है, सोर्स का टेम्परेचर आपसे पूछा है, सिंक का टेम्परेचर पूछा गया है, तो यहाँ पे करोगे T2 दिया है, यहाँ पे T थोड़ा उल्टा लिख गया, यहाँ पे T2 दिया है T के बराबर, तो T2 ऊपर रहता है, T1 नीचे रहता है, T1 आपको दिया 900 केल्विन, बस दोनों को बराबर करना है, 1 से 1 काटो, माइनस से माइनस काटोगे, यहाँ पे ये 0 0 0 कट जाएगा, अब क्या बचा यहाँ पे T/900 यहाँ पे बचा 1/5, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 900/5, 18 × 95 मतलब 180 के बराबर आ जाएगा, 180 केल्विन में निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यू यहाँ पे केल्विन में रखी है। टी ने यहाँ पे दिया गया है टेम्परेचर ऑफ 5 मोल ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज चेंज फ्रॉम 100 डिग्री टू 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर चेंज किया जा रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 80 जूल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको कितना दिया गया 80 जूल दिया गया है, टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, टोटल हीट कैपेसिटी आपसे पूछा गया है यहाँ पे, तो डेल्टा यू इज कर टू क्या लिख दोगे MS ΔT लिख दोगे, ठीक है, डेल्टा यू इज कर टू MS ΔT अगर यहाँ पे यूज करोगे आप, तो डेल्टा यू आपको जो दिया गया है 80 दिया गया है 80 जूल, ठीक है,
एम की वैल्यू 1 ग्राम का, क्योंकि 1 ग्राम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि स्पेसिफिक हीट जब भी आप निकालोगे, अभी हम स्पेसिफिक हीट निकालें एस निकालेंगे, ठीक है, एस डेल्टा टी, डेल्टा टी आपको 20 दिया गया, तो 1 ग्राम में जितना भी टेम्परेचर लगता है, ठीक है, किसी भी 1 ग्राम मास का, किसी भी सब्सटेंस को 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है, तो जितना टेम्परेचर लग उसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, जितना भी हीट लगता है, तो एस की वैल्यू यहाँ पे निकालना है, तो एस की वैल्यू निकल के आएगी 80/20, इसका ये आ जाएगा 4 के बराबर, ठीक है, 80/20 आ जाएगा 4 के बराबर। 19 इसमें कहा गया कि कोई थिन रिंग है प्लास्टिक की, ठीक है, रेडियस उसका आ रहा है, चार्ज स्मॉल की उस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, इसके इस रिंग को अगर रोटेट कराया जाए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसके एक्सिस के अराउंड, तो कह रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा इसके सेंटर पे, तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो वी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 R के बराबर होता है, ठीक है, लेकिन अब आई हमको नहीं पता, तो आई की जगह क्या रखेंगे, आई की जगह रखेंगे Q अपॉन टी, तो टी की जगह क्या रख लोगे, 2π/ω रख दो, 2π/ω, तो अपॉन ओमेगा रखोगे, ओमेगा खुद के ऊपर चला जाएगा, बस यही रखना है यहाँ पे, तो वी इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 2 R करोगे, यहाँ पे आई की जगह क्या रखोगे, क्यू अपॉन टी, और टी की जगह हमने रखा 2π/ω, तो यहाँ पे आई की जगह क्यू अपॉन 2π, अपॉन ओमेगा ना रख के ओमेगा हम ले जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट क्यू ओमेगा 2 × 4π R, ठीक है, तो म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 4π R के बराबर हो जाएगा, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, IPMT का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, एक क्लोज लूप PQRS कैरिंग ए करंट इन इस प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेगमेंट PES, SRN, RQ, RF1, F2, F3 रेस्पेक्टिवली एंड आर इन प्लेस इन द प्लेन पेपर अलॉन्ग द डायरेक्शन शोन द फिगर, ठीक है, द फोर्स ऑन द सेगमेंट QP वाले सेगमेंट में आपको फोर्स पूछा गया है, ठीक है, तो देखिए जो क्लोज लूप होता है अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो नेट फोर्स जो उस पर लगेगा वो होता है 0, तो जो भी रिजल्टेंट फोर्स आना चाहिए वो होना चाहिए 0, तो देखिए अब इसका फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है, जो भी होगा इसके परपेंडिकुलर लगेगा, तो अब देखिए कंपोनेंट अगर किया जाए इसका, ठीक है, तो अब ये कंपोनेंट किसको बैलेंस करेगा, F2 को बैलेंस करेगा, ठीक है, ये कंपोनेंट किसको बैलेंस करेगा, F2, क्योंकि टोटल फोर्स 0 लाना है आपको, अब ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा, F3-F1 के बराबर हो जाएगा, F3-F1 जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा इस तरफ क्या हो जाएगा, F3-F1 के बराबर हो जाएगा। अब देखो अब इसका रिजल्टेंट चाहिए आपको, जो रिजल्टेंट फोर्स वही पूछा है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा F3-F1 का होल स्क्वायर और प्लस F2 का होल स्क्वायर, ये पूछा गया क्वेश्चन है, बस ये हो जाएगा आंसर इसका। नंबर 21 है, यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, कोई बॉडी है जो मूव कर रही है v1 वेलोसिटी से डिस्टेंस l ट्रेवल करती है, फिर मूव कर रही है वेलोसिटी v2 से डिस्टेंस 2l तक, तो एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया, ठीक है, स्पीड ही दिया गया, v1 v2 स्पीड दिया गया, तो एवरेज स्पीड आपको चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, v एवरेज के लिए टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, l प्लस 2l अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस यहाँ पे एल है, वेलोसिटी v1 ट्रेवल हुई, यहाँ पे कितना जो डिस्टेंस है वो 2l है, वेलोसिटी v2 है, बस आपको यहाँ पे सॉल्व करना, ऊपर आ जाएगा 3l, यहाँ पे v1 v2 आप खेलोगे, एलसीएम लोगे, v1 v2 हो जाएगा, v1 से v1 कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा l × v2, तो l × v2 प्लस 2l × v1, यहाँ पे एल एलसीएम बाहर ले लोगे कॉमन आ जाए, तो एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा और v1 v2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3v1v2/v2+2v1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 22 है, यहाँ पे ये भी इजी क्वेश्चन है, कोई वॉल है जो सस्पेंडेड है किसी कार के छत से, ठीक है, अब उस कार पे ब्रेक लगाया जाता है और वो कार यूनिफॉर्मली मूव करे 36 किलोमीटर/आवर से, तो वो जीरो वेलोसिटी उसकी हो जाती है 5 सेकंड के बाद, तो कहा गया कि एंगल बताओ जो वो बॉल डेविएट होगा वर्टिकल से, ठीक है, ये कोई बॉल लटका हुआ था यहाँ छत से, कार इस तरफ जा रही थी, ठीक, कार इस तरफ जा रही थी, अचानक ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, सीडो फोर्स लगेगा, इसको क्या करेगा, स्पेयर को पीछे लेके जाएगा, इस बॉब को जो लटका हुआ है इसको पीछे की तरफ ले जाएगा, तो यही एंगल हमको बताना है। तो अब देखिए पहले हम एक्सेलेरेशन निकालते हैं, एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज अपॉन टाइम, ठीक है, वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी में कितना चेंज है, 36 किलोमीटर/आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो 18 × 36, 5 × 2 = 10 आ जाएगा, तो 10-0 अपॉन कितने 5 सेकंड में कहा गया, तो 10/5 ये हो जाएगा 2 m/s², ये रिटार्डेशन होगा, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल करोगे तो 0-10 करोगे माइनस में आएगा, तो कोई मतलब नहीं, रिटार्डेशन ही आएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, आपका एक्सेलरेशन जो आया वो 2 के बराबर आएगा। अब देखिए अब इसको mg लगेगा, इसके पीछे लगेगा, mg इसके नीचे लगेगा, ठीक है, और जो टेंशन होगा इस थ्रेड में इस तरह, तो टेंशन का कंपोनेंट करें तो ये हो जाएगा T cos θ, ये हो जाएगा T sin θ, आपको बताना है, टेंशन ही पूछा है आपसे, ठीक है, टेंशन आपसे पूछा गया यहाँ पे,
आपको बताना है एंगल कितना होगा, ठीक है, एंगल बताना है। तो पहले आप फोर्स को बैलेंस कीजिए, तो टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा, और जो यहाँ पे टी साइन थीटा होगा वो हो जाएगा आपका एम ए के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा यहाँ पे एम ए अपॉन एम जी के बराबर, ठीक है। तो एम एम कैंसिल आउट होगा तो ए अपॉन जी हो जाएगा, थीटा इक्वल टू निकालने जाओगे तो टेन इनवर्स ए बाई जी के बराबर है। 23 है, कोई मास है कैपिटल एम का सस्पेंड किया गया है किसी रोप से, ठीक है, रिजिड रोप है सपोर्टेड एट ए एज शोन इन द फिगर, ठीक है। यहाँ फिगर में जैसा कि आपको दिखाया गया है, यहाँ से ए पॉइंट है, यहाँ से सपोर्ट किया गया है इसको। बाद में कह रहा है बी पॉइंट पे एक फोर्स लगाया जा रहा है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे लगाया जा रहा है, ठीक है। ए बी मेक एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, जो थीटा बना रहा है ए बी जो थ्रेड है थीटा एंगल बना रहा है, तो आपको बताना है कि टेंशन कितना होगा, ठीक है। इसमें टेंशन आपको बताना है, तो देखिए टेंशन टी मान लो तो इसको कंपोनेंट करो तो इधर क्या हो जाएगा, अब ये थीटा है तो सिमेट्री से ये भी थीटा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है। इतना तो करना जान गए होगे अब तक। अब देखिए जितने पेपर हमने कराए ना सब में ये सारी चीजें यूज हुई, तो इतना सीखते चलो ना, जब आप हर चीज सीखते चलोगे तो नेक्स्ट पेपर में वही चीज आए तो वो गलत नहीं होनी चाहिए, तभी आपका इंप्रूवमेंट हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चाहिए टेंशन, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन साइन थीटा, ये भी हो सकता है, या यहां से अगर करोगे टी कॉस थीटा से तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी के बराबर हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब जो ऑप्शन में दिया उससे रख लो आप, तो देखिए ऑप्शन में एक तो दिया है एफ साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा हो नहीं सकता, बी ऑप्शन दिया एफ अपॉन साइन थीटा, ठीक है, तो ये सही हो सकता है, सी ऑप्शन एफ कॉस थीटा दिया है एफ अपॉन कॉस थीटा दिया, तो ये हो नहीं सकता, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा आपका टी इज इक्वल टू एफ अपॉन साइन थीटा। 24 है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बाइंडिंग एनर्जी दिया गया है पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का कर दिया है, ठीक है। न्यूक्लिया यहाँ पे दी गई है डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, देखो फोर न्यूक्लिया आपको दिया गया है इसमें, द प्रोसेस दैट वुड बी रिलीज एनर्जी, कौन सा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो देखिए इनिशियल एनर्जी उसकी कम होनी चाहिए, फाइनल एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तभी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, जिसका मास नंबर कम होता है, इस तरह का जब भी कोई ग्राफ आता है तो जिसका मास नंबर कम होता है तो एवरेज की तरफ भागता है, ठीक है। एवरेज मास नंबर जिसका होता है वो स्टेबल माना जाता है, तो जिसका मास नंबर कम होगा वो फ्यूज करके एवरेज की तरफ जाना चाहेगा, जिसका मास नंबर ज्यादा होगा वो फिजन करके जाएगा, ठीक है, उसका फिजन होना चाहिए। अब ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया आपको वाई इजकल टू 2z, y इज इक्वल टू 2z के बराबर दिया गया, तो पहले y का कैलकुलेट करो, ये पॉइंट आपका है w, ये है x और ये है y और ये है z, ठीक है, ये कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये कोई पॉइंट नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये अब देखिए आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू 2z के बराबर करना है, पहला ऑप्शन आपका जो दिया गया, तो y का देखिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी आएगी, मास नंबर ये पर न्यूक्लियन दिया गया, मास नंबर से मल्टीप्लाई कराओ तो ये 60 × 8.5 करोगे तो 9×54 540 होना चाहिए, लेकिन 0.5 कम हो जाएगा तो 56×30 कम हो जाएगा, तो आ जाएगा 510 के बराबर, ठीक है। अब कहाँ जा रहा है, 2z के बराबर जा रहा है, जेड देखो तो जेड यहाँ से कहाँ पे है, 30 से लेकर 5 तक है, तो यहाँ तो 30×5 करोगे तो क्या हो जाएगा 150, तो बाद में कहाँ जा रहा है 150, मतलब बाद में एनर्जी कम हो जा रही है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब फिर से देखो दूसरा ऑप्शन आपका दिया डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ठीक है। अब डब्ल्यू यहाँ पे ये है, ये अभी 170 × ये 7.5, तो 12×96 960 होना चाहिए, लेकिन 12×5 60, तो 60 कम हो जाए तो ये 900 के बराबर आ जाएगा, तो W आ जाएगा आपका 900 के बराबर। ये कहाँ पे जा रहा है, X प्लस जेड, तो जेड की वैल्यू आपने देखा अभी 150 आया था और X आपको निकालना है, तो X का जो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी तो 90 और यहाँ है 8, तो 972 720 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 720 इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 0, 5 और 2 ये हो जाएगा 7 और 7 और 1 8 870, ठीक है। तो ये भी कम आ रहा है, मतलब यहाँ भी ये भी ऑप्शन सही नहीं हो जाएगा। अब ऑप्शन सी देखिए तो W इक्वल टू 2y के बराबर दिया है, W इक्वल टू 2y, फिर W देखिए तो W यहाँ है 120 और ये है 7.5, ये आ जाएगा आपका 810 के बराबर, ठीक है। वो तो अभी देखना 720 यहाँ पे देखो करोगे 12×96 960, ये 900 आएगा, ठीक है। W जो आएगा वो 900 आएगा। अब ये कहाँ जा रहा है, 2y के बराबर। अब y कितना था आपका, ये y था 510, ये निकाला था हमने y की वैल्यू 510, 60 को जब 8.5 से मल्टीप्लाई करो 510 आएगा, लेकिन 2y हो रहा है तो 2×510 करोगे तो ये हो जाएगा 1020, मतलब कि बढ़ रही है एनर्जी, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी कैलकुलेट करके देख लो, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कराओ तो टोटल एनर्जी निकले, तो जहां से आप जा रहे हो वहां, जब वहां से हायर लेवल की एनर्जी में जा रहे हो तब एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे,
ठीक है, तो बाद में कहाँ जा रहा है वो देखा जाएगा, तो वही रिएक्शन फिजिबल होगी। ठीक है, तो बस ये देख लेना, जब जैसे डब्ल्यू की एनर्जी यहाँ पे कितनी आई, डब्ल्यू इक्वल टू टू आई में जा रहा है, डब्ल्यू की एनर्जी 9 थी, 900 थी, और बाद में हम जब गए 2i पे तो कितना हो गया आपका एनर्जी जो हो गया वो 1020 के बराबर हो गया। 35 भी कोई आइसोटोप है जो डिके हो रहा है 116, आप इनिशियल मास मान लो 1 था, बाद में कितना 116 हो गया, इसका हाफ लाइफ पूछा गया और इसका 116 होने में टाइम लगा है 1 आवर के बराबर, तो एन इजकल टू एन नॉट 1/2 की पावर टी अपॉन टी हाफ के बराबर होता है। एन अपॉन एन नॉट की वैल्यू हो जाएगा 1/16, 1/16 को लिखो 1/2 की पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और टी आपको दिया है 1 आवर और टी हाफ आपको कैलकुलेट करना है, पावर आपको बराबर करना है, तो 4 इजकल टू हो जाएगा 1/T हाफ। ठीक है, तो टी हाफ आ जाएगा 1/4, मतलब कि 1/4 आवर कर लो या 15 मिनट कर लो, ठीक है एक ही बात है, 15 मिनट ऑप्शन में दिया गया तो मिनट में कैलकुलेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे दो बॉडीज दी गई हैं, ए बी इक्वल मास है इनका, सस्पेंड की गई हैं किसी मासलेस स्प्रिंग से, ठीक है, उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है पहले का K1 है दूसरे का K2 है। कह रहा है इफ द बॉडी ऑसिलेट वर्टिकली सच दैट द मैक्सिमम वेलोसिटी आर इक्वल, मैक्सिमम वेलोसिटी इनकी इक्वल है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ए एंड बी, एम्पलीट्यूड का रेशियो आपको बताना है, तो वी मैक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऐसे वी देखो सिंपली वी होता है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है जो आपका मीन पोजीशन है, तो वहां पे तो मीन पोजीशन पे जो भी एक्स की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, यहाँ पे जब जीरो रखोगे तो ए निकल के आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर की जगह ए रख दोगे, तो वी मैक्स अब आएगा ए ओमेगा के बराबर। तो इसमें क्या आ गया कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो सेम है, ठीक है मैक्सिमम वेलोसिटी है वो सेम है, तो ए वन अपान ए टू हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा टू अपान ओमेगा वन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हमको रखना है ओमेगा की वैल्यू, तो अब ओमेगा वी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ठीक है के टू अपान के वन कर दोगे। ठीक है, ओमेगा क्या होता है यहाँ पे अगर ओमेगा देखा जाए तो ओमेगा देखिए ओमेगा होता है 2π/T के बराबर होता है। ठीक है, टाइम पीरियड आपको याद होगा 2π m/k के बराबर होता है, तो अगर 2π को यहाँ ले आओ तो 2π/T हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ये 1/ω, तो 1/ω इजकल टू क्या हो जाएगा √m/k, तो ओमेगा इजकल टू हो जाएगा k/m, तो ओमेगा 2 की जगह रखोगे k2 और ओमेगा 1 की जगह रखोगे 1/k1। ठीक है, 1/ की रेशियो में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 1/ω, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका m/k, तो ओमेगा इजकल टू हो जाएगा k/m। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k है, तो a1/a2 ये हो जाएगा ओमेगा 2/ω1, मतलब k2/k1, तो रूट में होगा k2/k1 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे दो पोजीशन दिया गया, ठीक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, दो इक्वेशन दी गई y1 और y2, इसमें फेज डिफरेंस पूछा गया वेलोसिटी का। ठीक है, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के दोनों का आपको वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया गया और आपसे वेलोसिटी पूछी गई। ठीक है, वेलोसिटी में फेज डिफरेंस क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, तो 0.1 साइन का हो जाएगा कॉस, और फिर थीटा का जब करोगे तो 100π t है, तो यहाँ पे 100π आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 100π पहले ही लिख लेते हैं, 100π साइन का हो जाएगा कॉस, और थीटा की जगह सेम थीटा ही रहने दोगे। ठीक है, π t + π/3 ये हो जाएगा v1 के बराबर, v2 यहाँ पे देखो कॉस का हो जाएगा तो माइनस साइन थीटा, और थीटा का हो जाएगा थीटा t का हो जाएगा थीटा, तो यहाँ पे 0.1 × 100π ये हो जाएगा साइन 100π t। ठीक है, π t, अब यहाँ पे देखो ये कॉस के फॉर्म में, ये साइन के फॉर्म में, तो अगर इसको कॉस लिखो तो +90/2 कर दो। ठीक है, 90 कर दो। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो इसको अब कर दो कॉस, कॉस के फॉर्म में जब करोगे तो θ/2 या π/2 से इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो हमको चाहिए फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस π/3। ठीक है, इसका डिफरेंस करना है हमको, तो 100π t 100π t, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अब क्या बचेगा π/3 - π/2। ठीक है, यहाँ पे LCM हो जाएगा 6। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा -π। ठीक है, तो आ जाएगा -π/6 फेज डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कहा गया है, मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एट स्टॉपिंग पोटेंशियल 5V0 के बराबर। ठीक है, जब लैम्डा वेवलेंथ डाली जा रही है तो 5V0 के बराबर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, व्हेन द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 3λ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इसमें डिक्रीज हो जाता है V0 के बराबर, तो आपसे वर्क फंक्शन पूछा गया। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटू इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये भी काइनेटिक एनर्जी होगा SC/λ, जब लैम्डा डाला जा रहा था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 5V0 के बराबर, जब 3λ होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 के बराबर हो जाएगा, आपसे वर्क फंक्शन पूछा गया है, इसको डिवाइड करो पहले, तो E से E कट जाएगा, V0 से V0 कट जाएगा, और अब देखिए यहां से ये पूरा टर्म इस तरह मल्टीप्लाई होगा और यहां से यहां पूरा मल्टीप्लाई, तो इधर क्या बच रहा है 5 बच रहा है, तो हो जाएगा 5 HC/3λ - 5φ0 इक्वल टू SC/λ - φ0। ठीक है, 5φ0 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4φ0, और यहाँ पे
फाइव एस सी अपान थ्री लेमडा माइनस एस सी अपान लेमडा, फाइव एस सी अपान थ्री लेमडा माइनस एस सी अपान लेमडा इजकल टू, इधर आएगा तो प्लस होगा, यहाँ पे एक माइनस था तो प्लस फोर फाइव नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना, तो इसमें एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा थ्री लेमडा के बराबर। ठीक है, तो इधर हो जाएगा फाइव एच सी माइनस लेमडा, लेमडा कैंसिल, थ्री मल्टीप्लाई तो थ्री एच सी, थ्री एच सी इजकल टू फाइव लेमडा फाइव नॉट। ठीक है, फोर फाइव नॉट। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा टू एच सी अपान थ्री लेमडा नीचे आ जाएगा और फोर भी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टू एच सी अपान फोर इंटू थ्री हो जाएगा ट्वेल्व लेमडा फाइव नॉट के बराबर हो जाएगा। टू एस सी अपान ट्वेल्व लेमडा इजकल टू फाइव नॉट, या जो फाइव नॉट निकल के आ गया वो आ जाएगा। अब या इसको और सिंप्लीफाई करो तो टू से कैंसिल करो तो सिक्स हो जाएगा, तो एस सी अपान सिक्स लेमडा, ऑप्शन में तो यही दिया एस सी अपान सिक्स लेमडा। 29 है यहाँ पे कहा गया, द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द फोटो सेंसिटिव मेटल इज 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फंक्शन कितना दिया गया, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर व्हिच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ये होगा, इलेक्ट्रॉन से इसको मल्टीप्लाई करो तो एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी यहाँ भी होती है माइनस फाइव नॉट होता है। अब अगर हम एनर्जी निकाल लें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम वेवलेंथ निकालेंगे कहाँ से, जैसे एनर्जी निकालेंगे हम क्या करते हैं 12400 अपान लेमडा एंगस्ट्रॉम में रखते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल दी जाती है एनर्जी। तो वेवलेंथ चाहिए तो वेवलेंथ को इधर ले, एनर्जी से नीचे मल्टीप्लाई करो तो वेवलेंथ भी तो निकाल सकते हैं इससे, तो उसी से हम लोग निकालेंगे, लेकिन पहले एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी निकालने के लिए आपको कितना दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 दिया गया, तो एनर्जी हो जाएगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से माइनस में होता है जो वर्क फंक्शन होता है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 6.2, तो ये आ जाएगा आपका 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस यहाँ रख दो लेमडा, आपको निकालना हो जाएगा 12400 11.2 से इसको डिवाइड कराओगे, ये आ जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, अब क्या करना है, बस इसको डिवाइड करा दो, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी वो किस रीजन में होगी, ठीक है, रीजन आपसे पूछा गया है। तो जो वैल्यू निकलेगी वो आएगी आपकी 1.1 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, तो ये आपकी जो होगी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है। ठीक है, 10⁻⁷, या अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 10⁸, 9, 10, तो 1100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1100 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो दस द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन लाइन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। ठीक है, पॉइंट वन जो होता है वो एक्सरे रीजन में होती है। ठीक है, पॉइंट वन एंगस्ट्रॉम होती है तो एक्सरे रीजन में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। वाटर राइजेज इन ए वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब अप टू हाइट 2 सेंटीमीटर इफ द ट्यूब इंक्लाइन एट एन एंगल 60 डिग्री। जब एंगल 60 डिग्री है उस इंक्लाइन ट्यूब का, ठीक है, ट्यूब को इंक्लाइन पर रखा गया 60 डिग्री का, तो हाइट जो राइज कर रही है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर हो रही है, तो आपसे उसकी लेंथ पूछी कितनी लेंथ होगी। तो एल इजकल टू होता है एच अपॉन कॉस थीटा, आपको चाहिए एल। ठीक है, फार्मूला याद कर लेना भैया, एल इजकल टू होता है एच अपॉन कॉस अल्फा। तो लेंथ आपको चाहिए, एच आपको दिया 2 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करना है तो कर लो, और अपॉन कॉस अल्फा, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 करोगे 2 जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर में दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप चेंज मत करो इसको, माइनस 2 यहाँ से हटा दो तो 4 सेंटीमीटर डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें टर्मिनल वेलोसिटी दिया गया है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर रेडियस है बॉल का उसका, और विस्कस लिक्विड में दिया गया है इसका टर्मिनल वेलोसिटी कितना है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है। बाद में कह रहा है कि देन द स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस, अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर किसी बॉल का तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी को कितना होगा। भैया टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन हर पेपर में आया, जितने पेपर अब तक मैंने सॉल्व किया है, तो अब तक बहुत लोगों को फॉर्मूला याद हो गया, और जिनको पहले से याद था बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं भी याद था अगर उन्होंने कोशिश करी होगी तो ये फॉर्मूला उनको याद हो गया होगा। फॉर्मूला होता है v इक्वल टू 2r² / 9 रो माइनस रो नॉट जी अपान ईटा। ठीक है, तो जो भी वेलोसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, तो v2/v1 अगर करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा r2/r1। ठीक है, r2/r1 का स्क्वायर, तो r2 बाद में कह रहा है कि इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर कर दिया गया, पहले कितना था 2 सेंटीमीटर के बराबर था, तो इसका स्क्वायर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो v2 हो जाएगा v1, v1 आपको दिया था 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1/4, तो 4 से 20 को डिवाइड करोगे आ जाएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे 2 मिरर रखे गए हैं। ठीक है, किसी एंगल पर रखे गए हैं, इसमें 5 इमेजेस बनती हैं और सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को जो रखा गया वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो आपसे बताना है एंगल कितना होगा उनके बीच में 2 मिरर के बीच। देखिए जब सिमेट्रिकली प्लेस्ड होता है तो जो भी नंबर ऑफ इमेज आता है तो 360 / θ-1 किया जाता है, लेकिन अगर एसिमेट्रिकल रखा गया होगा ऑब्जेक्ट को तो सीधे जो भी नंबर ऑफ इमेज आता है वो 360 / θ। एसिमेट्रिकल वाला क्वेश्चन हम करा चुके हैं, असिमेट्रिकल वाला पूछा गया है आपसे। ठीक है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा है एनटीए, जो है आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा है, हर पॉइंट से क्वेश्चन उठा रहा है। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ इमेज यहाँ पे दिया गया 5 रखो,
360 अपॉन थीटा माइनस वन है, माइनस वन इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा प्लस वन, तो ये हो जाएगा सिक्स, थीटा इधर ले आओ थीटा इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन सिक्स छकाओ 36, ये आ जाएगा 60। तो कितने एंगल पे रखे होंगे, 60 डिग्री पे रखे गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये स्टूडेंट, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द इनवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन एम होता है किसी मिरर का या लेंस का, तो उसको इनवर्स में रखा गया 1/m प्रोड्यूस बाय ए थिन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, लेंस के फॉर्म में पूछा गया आपसे, लेंस एंड द ऑब्जेक्ट पोजीशन यू एस ऑन इन द फिगर, ठीक है, जो भी ग्राफ यहाँ पे बनाया गया है वो मैग्निफिकेशन 1/m, ठीक है, इनवर्स मैग्निफिकेशन मतलब 1/m और जो आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन यू उसके बीच में ग्राफ बनाया गया है, तो पूछा गया था फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड, फोकल लेंथ आपको बताना है, तो मैंने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको बताया था, ये तो एक तरीका है 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f से निकालो, ठीक है, वहां से पहले मैग्निफिकेशन निकालो उसके बाद मैग्निफिकेशन के फॉर्म में फॉर्मूला एडजस्ट करके करो, या डायरेक्ट अगर फॉर्मूला जो मैंने बताया था मैग्निफिकेशन का होता है m इक्वल टू f0 प्लस यू, लेंस है तो प्लस करोगे, अगर मिरर हो तो मैंने कहा था एम फार मिरर एम फार माइनस, तो मिरर होता तो यहाँ पे माइनस कर दिया जाता है, अब आपको चाहिए 1/m तो यहाँ पे कर लो 1/m, तो ये हो जाएगा f0 + u / f, इसको और सिंपलीफाई करो तो f0 / f0 + u / f0, ठीक है, तो f0 / f0 ये हो जाएगा 1 + u / f0, ठीक है, 1/m की वैल्यू, अब इसको कंपेयर करो y इक्वल टू mx + c से, ठीक है, x इसमें वेरिएबल कौन है, इसमें u वेरिएबल है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका स्लोप निकल के आएगा 1/f आएगा, ठीक है, यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी, u का जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा जिससे जो इसका गुणांक होगा वही हो जाएगा आपका स्लोप, तो स्लोप यहाँ पे 1/f के बराबर आ जाएगा, और c यहाँ पे इंटरसेप्ट है तो 1 यहाँ पे इंटरसेप्ट हो जाएगा, तो स्लोप जो निकल के आएगा स्लोप हो जाएगा 1/f0, ठीक है, 1/f0 हो जाएगा स्लोप, अब यहाँ पे स्लोप देखो क्या होगा, तो स्लोप यहाँ से निकालोगे तो y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, तो byc आएगा, तो स्लोप आएगा byc के बराबर, तो 1/f0 इक्वल टू आएगा byc, by a लिख गया byc होगा, तो f0 की वैल्यू जो आएगी वो c/b आ जाएगी, ठीक है, वो यही चाहिए था आपको, c/b ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये फार्मूला आप याद कर लो, और जब मैंने वहां पे लगाया था ये फार्मूला तो मैंने बताया था कि ये कई जगह यूज होगा, देखिए आज क्वेश्चन भी आ गया, अब ये क्वेश्चन हमको भी नहीं पता होते हैं कि क्या आने वाला है, क्योंकि पेपर डेली का डेली अपलोड हो रहा है, आपको भी पता है, तो पहले से कुछ एक्सपेक्टेड नहीं, लेकिन जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है तो वो अभी से आ रहा है, ठीक है, लगभग पेपर्स में रिपीट हो रहा है, तो जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए आप लोग, जैसे जैसे बता रहे हैं करते जाइए, तो फिजिक्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, बाकी सब्जेक्ट आप देखते रहिए, फिजिक्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ए बुलेट ऑफ मास कैपिटल एम हिट ए ब्लॉक ऑफ मास एम डैश, ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, करें ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, तो ऑप्शन चारों दिए गए, तो देखिए अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाना है, देखिए जैसे हिट वाला जब क्वेश्चन आए तो सीधे कोलिजन से सोचो आओ, तो कोलिजन में अपनी 100% जो वेलोसिटी होती है वो कब ट्रांसफर करता है एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को, देखिए एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को तभी अपनी 100% वेलोसिटी ट्रांसफर करता है जब उनका मास सेम होता है, सेम मास का दो पार्टिकल है, जैसे ये वेलोसिटी वी है ये रेस्ट में है, तो अब जैसे यहाँ से बुलेट मानो अब ये गन है, यहाँ से बुलेट फायर होना ये कोई मास है सेम मास का है, बुलेट के मास और इसका मास सेम है, ठीक है, हम मान रहे हैं, तो यहाँ पे जब बुलेट आएगी टकराएगी तो बुलेट इसको अपनी पूरी जो भी वेलोसिटी होगी उसको दे के अपना खुद रुक जाएगी, पूरी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर देगी, तो काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv², तो पूरी वेलोसिटी कब ट्रांसफर करती है जब मास दोनों का सेम हो, जब सेम मास के दो पार्टिकल आपस में टकराते हैं अगर एक रेस्ट में है तो दूसरा वाला क्या करता है, दूसरा वाला अपनी वेलोसिटी उसको पूरी दे देता है खुद रेस्ट में आ जाता है, तो जब दोनों का मास सेम होगा तभी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर यहाँ पे हो जाएगा, मैक्सिमम एनर्जी कब ट्रांसफर होगी जब दोनों का मास सेम होगा, इसको आप कोलिजन से सोचिए, अब इस तरह के कई क्वेश्चन आए बहुत बार पूछे गए, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो पार्टिकल है उनका मास सेम है एक वेलोसिटी वी है दूसरे का रेस्ट में है, ठीक है, तो जो पहला वाला होता है वो अपनी वेलोसिटी पूरी उसको ट्रांसफर कर देता है रेस्ट वाले मास को। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक यूनिफार्मूला सर्कुलर डिस्क दी गई जिसका मास एम है रेडियस आर है, ठीक है, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया गया, बाद में करा एक डिस्क है सेम मतलब मास इसका सेम है डायमेंशन सेम है, ठीक है, मास 1/4 है और डायमेंशन सारी सेम ही है और कोएक्सियली रखा गया इसको, तो कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी में क्या चेंज होगा, I1 ω1 = I2 ω लगाओ, I1 ω1 = I2 ω, क्योंकि कोई टॉर्क नहीं लग रहा है जेंटली इसको प्लेस किया जा रहा है तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगे तब से एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा, तो I1 क्या करोगे 1/2 mr² इक्वल टू और इंटू ओमेगा भी कर दोगे इक्वल टू I2, अब I2 क्या हो जाएगा 1/2 m में चेंज कितना आ रहा है m + m/4 करोगे, ठीक है, m/4 मास की डिस्क एक और रखी गई है इंटू r² ओमेगा डैश, ठीक है, ओमेगा डैश आपको निकालना है, रेडियस सेम ही बता दिया गया पहले ही, r² कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल, इधर बचेगा m ओमेगा, इधर LCM लोगे तो ये हो जाएगा 5 m/4 ω-, ठीक है, m से 1 m कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे 4 ऊपर जाएगा तो 4 ω/5,
जो भी ओमेगा डैश आएगा तो 4 ओमेगा/5 आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिक्स है, आपसे पूछा गया यहाँ पे कि सिलिकॉन डायोड है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिया गया सिलिकॉन डायोड का 0.7 वोल्ट। कह रहा है इफ एन इनपुट वोल्टेज गिवन बाय 2 sin ωt इज सप्लाइड टू हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर को इतना सप्लाई किया गया वोल्टेज दिया गया वोल्टेज इनपुट, ठीक है, यूजिंग दिस डायोड द रेक्टिफाइड आउटपुट हैज पीक वैल्यू। तो रेक्टिफाइड वैल्यू आप पीक वैल्यू ऑफ रेक्टिफाइड आउटपुट जो होता है, तो जितना वोल्टेज जितना इनपुट उसको दिया जाता है, जितना मैक्सिमम इनपुट उसको दिया जाता है, ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ इनपुट माइनस कितना करोगे बैरियर पोटेंशियल जो दिया गया, तो बैरियर पोटेंशियल आपको दिया गया 0.7 और पीक वैल्यू का इक्वेशन दिया गया, तो पीक का मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 - 0.7 करोगे तो आ जाएगा 1.3 वोल्ट के बराबर। 37 एक गेट का क्वेश्चन है आपको का पूछा गया इसमें द आउटपुट ए व्हेन ऑल थ्री इनपुट फर्स्ट हाई एंड देन लो, पहली बार क्या तीनों को हाई किया गया मतलब x = y = z = 1 और यहाँ पे क्या गया दूसरी बार क्या है x = y = z = 0 रखा गया, तो पहले सब कुछ हाई बाद में सब कुछ लो, तो आपको आउटपुट ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे एंड गेट लगा तो क्या हो जाएगा x.y, यहाँ पे z आ रहा है, ठीक है, z इनपुट इस गेट में आओगे तो x.y तो पहले से था, डॉट क्या हो जाएगा z, अब रखो वैल्यू तो 1 रखोगे तो 1.1.1 तो यह हो जाएगा 1 के बराबर, तो पहली बार 1 आएगा, दूसरी बार 0 को तो 0.0.0 तो यह हो जाएगा 0, तो 1 और 0 आएगा, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पे पूछा गया इन द फॉलोइंग सर्किट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड D1 D2 एंड D3 आर द आइडियल, ठीक है, देन I आपसे करंट पूछा गया कि ये कितनी करंट जाएगी, तो D1 D2 D3 को क्या कह दिया गया आइडियल कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ी सी मिसप्रिंट जो सर्किट बनाएगा इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है, इस जो ब्रांच है ये वाली ब्रांच है इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिस हिसाब से इसका सोल्यूशन बन रहा है, ठीक, जिस हिसाब से ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो इसका रेजिस्टेंस जो होना चाहिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो होना चाहिए 0। अब आइडियल कंडीशन में जो डायोड होता है उसकी रेजिस्टेंस होती है 0, जो डायोड होता है आइडियल कंडीशन में तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगाया गया। अब ये देखो डायोड, तो अब देखिए ये है रिवर्स बायसिंग, तो ये काम करेगा नहीं क्योंकि इसका जो एन टर्मिनल है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका रिवर्स बायसिंग, तो ये तो वैसे ही बेकार होगा। अब जो भी करंट यहाँ से फ्लो करेगी तो यहाँ जाएगी, ठीक है, या तो इसमें जा सकती है, तो अब देखिए आइडियल कंडीशन में क्या होता है डायोड का रेजिस्टेंस तो 0 हो जाता है और इसका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो होना चाहिए 0, तो ये हो जाएगी शॉर्ट सर्किट, तो ये होगी शॉर्ट सर्किट, तो जो भी करंट जाएगी यहाँ से तो अब इसमें फ्लो करके इधर वाले रेजिस्टेंस से बाहर चली जाएगी, ठीक है, तो ऐसे जाके करंट इसमें पास हो जाएगी, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका आई हो जाएगा वो हो जाएगा V/R के बराबर, वी दिया गया है यहाँ ई और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया गया आर, तो ये हो जाएगा E/R, ठीक है, ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यहाँ देखोगे तो इसका भी जो भी रेजिस्टेंस हो जाएगा 0, ठीक है, ये रेजिस्टेंस 0, इसका इस डायोड का भी रेजिस्टेंस 0, तो रेजिस्टेंस जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वही काम करेगा, तो I = E/R के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आइडियल कंडीशन दी गई, आइडियल कंडीशन में जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, VRMS पूछा गया, ठीक है, VRMS वेलोसिटी आपको दी गई 200 m/s जब टेम्परेचर 300 K था, 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया, हमने इसको चेंज किया। VRMS स्पीड फिर से आपको पूछा गया, टेम्परेचर जब बढ़ाया गया 127 डिग्री सेल्सियस तक मतलब 400 K तक, प्रेशर भी दिया गया है 1 atm and 2 atm, P1 P2 दिया गया। देखिए जो VRMS होता है तो लगभग सबको इसका फॉर्मूला याद हो, 3 RT/m के बराबर होता है, तो जो VRMS है किसके बराबर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T के बराबर है, तो V2/V1 किसके बराबर हो जाए √T2 है 400 K/T1 है 300 K के बराबर, 0 0 0 कैंसिल आउट है, V2 = V1 दिया आपको 200, यहाँ से √4 है तो बाहर निकलेगा तो √2 आएगा √3 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 √3 m/s के बराबर। 40 यहाँ पे कहा गया कोई वाटरफॉल है उसका हाइट है 500 m, वहां से वाटर गिर रहा है जमीन तक आ रहा है, तो टेम्परेचर में कितना राइज होगा, ठीक है, टेम्परेचर में कितना राइज होगा, आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया गया है C = 4.2 kJ/kg। तो देखिये MgH जो उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा, जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा उसके टेम्परेचर बढ़ाने में काम आएगा, उसका हीट बढ़ा, ठीक है, तो वो किसके बराबर MC∆T के बराबर हो जाएगा, तो MC∆T या ∆θ लिख लो, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो भी यहाँ पे ∆θ आएगा टेम्परेचर में कितना राइज होगा वही देखना है, तो ∆θ = GH, G की वैल्यू 10, H की वैल्यू 500 आपको दिया गया है, अपान C की वैल्यू दी गई 4.2 × 10³, ठीक है, इसको सॉल्व करो आ जाएगा 1.16 °C के बराबर, इतना टेम्परेचर राइज हो जाएगा वाटर का उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद। यहाँ पे दिया गया है द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ मास स्मॉल एफ सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज गिवन बाय F = C(m)^(x) और K^(y), वेयर सी इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली, x और y की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है,
यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन 1/T होता, तो एम जीरो एल जीरो टी की पावर -1, ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। सी तो कांस्टेंट है, मास हो जाएगा एम, तो एम की पावर 1 हो जाएगा, बाकी यहाँ पे एल जीरो और टी भी 0 हो जाएगा, इसका पावर एक्स दिया हुआ है। और के के यहाँ पे है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, के क्या है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो इसका भी आप लिख लोगे। तो के जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है इसका जो डायमेंशन होता है एम एल जीरो टी की पावर -2, ठीक है, एम एल जीरो टी की पावर -2, एम एल जीरो टी की पावर -2। इसको देखना है तो देख लो कैसे आता है, एफ इजिकल टू क्या होता है, के एक्स के बराबर, के आपको निकालना है, एफ का होता है एम एल टी की पावर -2, एल एक्स इसके नीचे आएगा तो एल और एल कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब एल की पावर 0, एम एल जीरो टी की पावर -2, यही तो लिखा है, ये है वाई के बराबर। तो आपको बताना है एक्स और वाई की वैल्यू, तो पहले एम देखो, तो यहाँ पे एम की पावर 1 है तो 1 इंटू एक्स, तो ये एक्स हो जाएगा, प्लस एम की पावर 1 प्लस वाई इजकल टू, यहाँ पे एम की पावर 0 है तो 0 करेंगे, तो एक्स इजकल टू -y। तो यहीं से अगर चाहो तो सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू होगी उसी के माइनस के बराबर होगी वाई के बराबर। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दिया हो, इक्वल हो और अपोजिट चार्जेज हो, तो ये ऑप्शन बी मैच कर रहा है, -1/2 एंड +1/2। लेकिन अगर और थोड़ा सॉल्व करो, अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो अब देखिए एल की पावर तो 0 तीनों में कोई मतलब नहीं, अब टी को कंपेयर करना है, तो टी यहाँ भी 0 है तो एक्स 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2y होगा, तो -2y इक्वल टू हो जाएगा -1 यहाँ पे, तो -1 माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 1/2, तो y इक्वल टू 1/2 है तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 42 है, इसमें कहा गया था फर्स्ट डिफ्रेक्शन मिनिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन एट एन एंगल थीटा फॉर द लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, इफ द विथ ऑफ द स्लिट इज 1 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर देन द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको वैल्यू ऑफ थीटा बताना है, थीटा कितने एंगल का होगा, ठीक है, तो बस इसमें वैल्यूज रखना है, तो आपको वेवलेंथ दिया गया 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 5000 × 10⁻¹⁰ मीटर हो जाएगा। डी आपको दिया गया है 1 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर, तो -6 कर लोगे सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 0 यहाँ पे हटाओगे तो 10⁻⁷ आ जाएगा, ठीक है, या हाँ तो -7 या -6 कर लोगे तो -6 और -6 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 बचा रहेगा, तो इसके आगे लगा दो तो ये हो जाएगा 0.5 का मतलब 1/2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री के बराबर। 43 हमको देखना है, इसमें कहा गया क्लियर सीट ऑफ पोलराइड इज प्लेस एट टॉप ऑफ द सिमिलर सीट टू दैट हैव एक्सिस मेक एन एंगल साइन इनवर्स 3/2। एक पोलराइड है, देखिए ये दूसरी वाले से रखी गई एंगल साइन 3/5 पे, ठीक है, साइन 3/5 दिया, लेकिन जो माइलस लॉ होता है वो कॉस के फॉर्म में होता है, आई क्या होता है आई डैश इक्वल टू आई कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, ठीक है, तो कॉस के फॉर्म में लिखना है, तो साइन जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस, तो ये दिया 3/5, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 4 निकल के आएगा, तो कॉस थीटा क्या हो जाता है बेस अपॉन हाइपरटेनियस, तो 4/5 आ जाएगा, ठीक है, तो पहले अनपोलराइज्ड लाइट डाली जाए तो आई नॉट होगी, रेशियो आपको क्या बताना है आई डबल डैश अपॉन आई नॉट, जो अनपोलराइज्ड लाइट है आई नॉट, और जो यहाँ पे निकल के आएगी इंटेंसिटी उसको बताना, तो पहले यहाँ देखो कितना आएगा, तो अनपोलराइज्ड लाइट डालोगे तो I/2 आ जाएगा, यहाँ पे I0/2 आएगा, ठीक है, अब इससे कितने एंगल पे रखा है कॉस रखो, कॉस आएगा आपका 4/5, ठीक है, तो अब यहाँ पे आई डबल डैश निकालना है, तो आई डबल डैश हो जाएगा I डैश की वैल्यू I/2 कैसा है, क्योंकि अनपोलराइज्ड लाइट जब पोलराइजर पे डालोगे तो वो इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, तो यहाँ पे आई डैश आ गया I/2, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा अल्फा की वैल्यू रखोगे 4/5, बस इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा I0/2 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 16/25, ये हो जाएगा 8, तो ये जाएगा आपका इधर ही लिख देता हूँ 8I0/25 के बराबर, ठीक है, अब रेशियो आपको बताना है, ये निकल के I डबल डैश तो I डबल डैश अपॉन I0, तो यहाँ पे I डबल डैश की वैल्यू इतनी हो जाएगी, I0 से डिवाइड करोगे तो I0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 × 25 हो जाएगा इसका रेशियो। नंबर 44, इफ द वेलोसिटी ऑफ गैलेक्सी रिलेटिव टू अर्थ इज 1.2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड देन परसेंटेज इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द गैलेक्सी एज कंपेयर्ड टू द सिमिलर सोर्स ऑन द अर्थ विल बी, आपको डी लेमडा अपॉन लेमडा की वैल्यू बताएंगे, परसेंटेज चेंज निकालना, तो 100 से मल्टीप्लाई करा दो, इधर भी 100 से, इस फॉर्मूले पे कई क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको जिन लोग लगातार देख रहे हैं उनको आराम से याद आ रहा होगा, तो यहाँ पे वी, अब वी की वैल्यू कितना रखोगे, आपको दिया गया सॉरी 1.2 × 10⁻⁶, ठीक है, 10⁶ है, -6 क्यों होगा, वेलोसिटी दी गई है, और स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ 100 करोगे तो यहाँ पे 10⁸ हो जाएगा, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 10⁶ था, 100 करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओ 10⁸ हो जाएगा, 8 कैंसिल 1.2 अब /3, ठीक है, पॉइंट हटा दो यहाँ पे, यहाँ पॉइंट लगाओ तो 12 हो जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई करो तो 0.4 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 एंड लास्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द बॉडी ऑफ मास 1 kg ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस
अच्छा, फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन बाय, ठीक है, एक्स इक्वल टू ये दिया गया आपसे, वर्क डन पूछा गया फर्स्ट सेकंड में। देखिए वर्क डन हम क्या जानते हैं, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के लिए इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड चाहिए, तो पहले स्पीड के फॉर्म में इसको लाओ। तो डी एक्स अपॉन डी टी करोगे तो जो वेलोसिटी आएगी क्या आ जाएगी, 4t³, ठीक है, 4t³/4, तो 4 4 कैंसिल तो आ जाएगा t³। तो एट टी इज कल टू जीरो पर जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो जाएगी जीरो, टी जब जीरो रखोगे तो जीरो आ जाएगा, एट टी इज कल टू 1 सेकंड तो डी एक्स अपॉन डी टी जो वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी 1। तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम की वैल्यू आपको दिया गया इसमें 1 kg और वी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस हाफ जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो जाएगी जीरो, तो ये टोटल टर्म जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो ये जाएगा 1/2 जूल के बराबर कितना वर्क डन होगा। ठीक, तो ये रहा आपका पेपर नंबर 30। ठीक है, अब नेक्स्ट पेपर जब भी आएगा, कल आएगा तो कल ही सॉल्व करेंगे उसको, और आप लोग ऐसे ही देखते रहिए और पूरा वीडियो देखा करिए। ठीक है, लास्ट में बहुत कम ही लोग पहुंचते हैं, तो अगर आप सुन रहे हैं इस बात को तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको, और ये काम करने में मजा आ रहा है, बस मुझे अच्छा लगता है फिजिक्स सॉल्व करते। ठीक है, बाकी मुझे खुद का पढ़ना रहता है तो बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट आते हैं, सर ये करा दो वो करा दो, आप ये नहीं करा रहे, दिस इज अनफेयर सर। तो अब मैं अनफेयर के लिए क्या करूँ, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मुझे अपना भी काम करना रहता है, मुझे ऑनलाइन क्लास करनी रहती है, अपना सिलेबस पूरा करना है, हमें MBBS पास करना है। ठीक है, तो जितना हो पा रहा है मैं मैक्सिमम अपना दे रहा हूँ। ठीक है, जो मैं कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा हो सकता है मैं करा दूँ, लेकिन अब इससे ज़्यादा पॉसिबल हो नहीं पा रहा, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना रखें, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।